मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार से कांग्रेस ने किसान कलश यात्रा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश किसान खेत मजदूर कांग्रेस विभाग द्वारा किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में 32 दिवसीय इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा करोंद होते हुए बैरसिया मानिम चौराहा होते हुए सिरोंज पहुंचेगी। शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल, राजीव सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, मांडवी चौहान, जेपी धनोपिया, आभा सिंह, अवनीश भार्गव, महेंद्र शर्मा, जितेंद्र संतोष कसाना मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कहा कि मृतक किसानों के खेतों की मिट्टी लाकर कलश में जिलेवार डालकर किसान सभाएं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। यात्रा लगातार 32 दिन की रहेगी और लगभग 6500 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। भोपाल से शुरू हुई इस यात्रा का समापन 6 जून को मंदसौर में कलश विसर्जित कर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कई वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में जाकर किसान सभाओं में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उसको जगाने के लिए और किसानों को न्याय दिलाने के लिए 32 दिवसीय यात्रा हमारी आज भोपाल से शुरुआत है। अभी ये बैरसिया पहुंचेगी, वहाँ किसान सभा होंगी, जगह जगह छोटे छोटे कस्बों में हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे और आम सभाएं करेंगे और मध्य प्रदेश की झूठी बेईमान मक्कार सरकार को जगाने का काम करेंगे। किसानों को न्याय मिले, उनको फसलों के दाम अधिक मिले, नगद भुगतान मिले और जिन किसानों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को रोजगार मिले, मुआवजा मिले, इन सब लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम मध्य प्रदेश के अंदर किसान कलश यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।